आप सभी को नमस्कार। हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो चलिए एक नई शुरुआत के साथ हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। और जो आज का हमारा पहला सवाल है वो है, कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? पहला ऑप्शन खरगोश, दूसरा ऑप्शन बिल्ली, तीसरा ऑप्शन चूहा और चौथा ऑप्शन बंदर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, खरगोश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो आज का हमारा सवाल है वो है, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? इस सवाल में हमारे पास स्क्रीन पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं और जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है भारत ने, दूसरा ऑप्शन है रूस ने, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका ने और चौथा ऑप्शन है चीन ने। और इस सवाल का जो सही जवाब है इन ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन डी, चीन ने। चीन ने ही सबसे पहले पेपर का आविष्कार किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? पहला ऑप्शन 200 सेकंड, दूसरा ऑप्शन 300 सेकंड, तीसरा ऑप्शन 400 सेकंड और चौथा ऑप्शन 500 सेकंड। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो है 500 सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 500 सेकंड लेता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1995। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सन 1995 में। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 165, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में से जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया देश की। सैमसंग मोबाइल कंपनी वो साउथ कोरिया की कंपनी है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? पहला ऑप्शन आम, दूसरा ऑप्शन अनार, तीसरा ऑप्शन पपीता और चौथा ऑप्शन केला। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इस प्रश्न की जो प्रश्न संख्या है वो 167 है। और जो हमारा सवाल है वो है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? स्क्रीन पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, तुर्की देश में। काला गुलाब जो है तुर्की देश में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती? पहला ऑप्शन नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा ऑप्शन बेनिया और चौथा ऑप्शन अमेरिका। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, बेनिया। बेनिया में आलू की खेती नहीं की जाती है। अगला सवाल, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता है और बच्चों की तरह रोता है? स्क्रीन पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन हिरन, दूसरा ऑप्शन कंगारू, तीसरा ऑप्शन जिराफ और चौथा ऑप्शन भालू। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन डी, वो है भालू। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो कहता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इस सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो अगला सवाल है उसका प्रश्न संख्या नंबर है 171, चीन देश में सबसे पहले अपनी बैंक शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है?
पहला ऑप्शन महाराष्ट्र बैंक, दूसरा ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन सिंध बैंक और चौथा ऑप्शन है पंजाब बैंक। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला सवाल, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? स्क्रीन पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में से जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हाथी। हाथी को हर वस्तु अपने से दोगुनी दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? पहला ऑप्शन नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड और चौथा ऑप्शन अमेरिका। तो जो सही जवाब है वो है नॉर्वे। नॉर्वे में रात में सूरज निकलता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? स्क्रीन पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है गाय, दूसरा ऑप्शन हाथी, तीसरा ऑप्शन हिरन और चौथा ऑप्शन बाघ। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, गाय। गाय नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला सवाल, और इस सवाल की जो प्रश्न संख्या है वो है 175। पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? पहला ऑप्शन 1970, दूसरा ऑप्शन 1960, तीसरा ऑप्शन 1980 और चौथा ऑप्शन 1972। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1972। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन पंजाब और चौथा ऑप्शन गोवा। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी गोवा जो है भारत का सबसे पहला राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 28। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो है 26 हड्डियाँ। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन किशमिश को, दूसरा ऑप्शन इलायची को, तीसरा ऑप्शन लाल मिर्च को और चौथा ऑप्शन काजू को। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? पहला ऑप्शन शुतुरमुर्ग, दूसरा ऑप्शन तोता, तीसरा ऑप्शन चातक पक्षी और चौथा ऑप्शन कोयल। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने आखिरी सवाल पर। और जो आज का हमारा आखिरी सवाल है उसकी प्रश्न संख्या है 180। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कनाडा को जो है मिनी पंजाब के रूप में भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद।